वहीं मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों पर यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि हम इस बार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत व्यापक तरीके से भव्यता दिव्यता के साथ मनाने की योजना बना रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक की गई, बैठक में चर्चा भी की गई। हमने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, जितने भी अतिरिक्त धन की जरूरत होगी हमारा पर्यटन विभाग उतनी धनराशि की स्वीकृति देने का काम करेगा। इस बार का कार्यक्रम अनूठा और भव्य होगा। 5291 वाला विशेष जन्मोत्सव का कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण जी का है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके प्रकटोत्सव के बारे में, उनके अवतार के बारे में और गीता का संदेश जो पूरी देश और विश्व कल्याण के लिए उन्होंने काम किया है, उनका विशेष महत्व है। इस बार के जन्मोत्सव को भव्यता दिव्यता अलौकिकता देने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को बनाने का काम करने की योजना बना रहे हैं और उसी को किस तरीके से भव्य दिव्य अलौकिक बना सकें, एक बड़ा स्वरूप दे सकें, इसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ जिला प्रशासन, माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारा ब्रज तीर्थ विकास पर्षद और इस यहाँ के सभी संत महात्माओं के साथ बैठ के चर्चा हुई है। तमाम उनके महत्वपूर्ण और सकारात्मक रचनात्मक इस कार्यक्रम को करने के लिए आए हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए हमने ब्रज तीर्थ विकास पर्षद को निर्देशित किया है अधिकारियों को कि वो एक योजनाबद्ध तरीके से उसके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। जितने भी अतिरिक्त धन की जरूरत होगी, वैसे तो सामान्य तौर पर जितना किस कार्यक्रम में आता है वो यहाँ उपलब्ध है, अतिरिक्त धन की जितनी जरूरत होगी ब्रज तीर्थ विकास पर्षद शासन को भेज देगा। हमारा पर्यटन विभाग उतनी धनराशि की स्वीकृति देने का काम करेगा, लेकिन इस बार का कार्यक्रम अनूठा होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा। इसके लिए कार्यक्रम के साथ साथ सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे, किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी घटना न हो, इसके लिए भी प्रशासन को भी कह दिया गया है उसकी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए तैयारी करेंगे।